ठीक है फिर मैं सर, सर जाएगा। परशुराम जयंती के मौके पर कल तेजस्वी यादव गए थे, उसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? वहां पर A to Z सबको जोड़ने की कवायद नहीं, है, अच्छी उसको लेकर बात के है, परशुराम जयंती में गए, सब लोग बुलाए, आदर किए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर हैं। तेजस्वी यादव के भूमिहारों को साथ लाने वाला जो प्लान है, लालू यादव को खूब रास आ रहा है। दरअसल MY वाले एक कहें कि समीकरण के अंदर कैद RGD अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई है, और एटीट्यूड की पार्टी खुद को बता रही है। तेजस्वी यादव लगातार सभी जाति से आने वाले लोगों के मंच पर जा रहे हैं, लेकिन उनका फोकस है बिहार के ब्राह्मण और भूमिहारों पर, खास करके भूमिहारों पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी मंच से माना कि भूमिहार जो है ये जागरूक बने हैं। भूमिहार जिसकी तरफ जाता है उसके किस्मत पलट जाती है। तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जो तिलिस्माई असर बिहार की राजनीति में दिखाया, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कई सालों के बाद जिस तरीके से निकल के सामने आए, उसके बाद से उसके पीछे जो कारण था वो मगध खातर के जो दक्षिण बिहार का इलाका है, उस इलाके में इस जाति विशेष के लोगों का वोट नहीं डालना या फिर तेजस्वी यादव के समर्थन में वोट डालना एक बड़ा फैक्टर था। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की RGD जो है दक्षिण बिहार में क्लीन स्वीप करती हुई चली गई, जबकि उत्तर बिहार में तेजस्वी यादव का तलस्म नहीं चला, क्योंकि वहां पर इनकी संख्या थोड़ी कम। बात आगे करते हैं। तेजस्वी यादव लगातार जो है भूमिहारों के मंच पर पहुंच रहे हैं, और बोचहा उपचुनाव के जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद तेजस्वी यादव को भी लगने लगा है जो समाज के स्वर्ण वोटर्स हैं उनकी उनका जो एक तरीके से है कि झुकाव इनकी तरफ हो रहा है। ऐसे में खुद को भी बदलने की जरूरत है, लिहाजा तेजस्वी यादव ने न सिर्फ अपनी गलतियों के लिए जो पूर्व में की गई उसके लिए माफ़ी मांगी, ये तक कहा कि सबको सम्मान दिया जाएगा, भरोसा करके देखिए जो भी गलतियाँ पहले हुई हैं वो अब दोहराई नहीं जाएंगी। इन सबसे आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव अब भूमिहार समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में न सिर्फ उनको न्योता मिल रहा है बल्कि उन कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं। अब परशुराम जयंती का कार्यक्रम ले लीजिए, उस कार्यक्रम में वो पहुंचे तो पटना के ही बाढ़ इलाके में आयोजित भूमिहार समाज के एक बड़े कार्यक्रम में तेजस्वी यादव पहुंचे और वहां पर उनका सोने का मुकुट पहना करके स्वागत हुआ। इन तमाम चीजों को लेकर के जब लालू यादव दुरंडा कोषागार मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए, यानी कि जो दिल्ली का एम्स है वहाँ से जब डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज किया, जब कोर्ट के रिलीज पेपर्स वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद जब वो बाहर आए तो मीडिया से बातचीत की, सवाल उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव अब अपनी पार्टी को A to Z की बता रहे हैं, MY से आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, देख करके कैसा लगता है, तो लालू यादव ने खुशी में कहा कि जैसा आपको लगता है वैसा मुझे भी लगता है। क्या कुछ लालू यादव ने कहा था और कितने खुश नजर आए लालू यादव भूमिहारों के साथ लेने वाले तेजस्वी के इस प्लान को सुन करके, सुनवाते हैं आप। सर, राजद अब A to Z की पार्टी बन रही है और इसको लेके युवाओं में और जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है, तो जिसकी यादव इसका शानदार एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप जो बोलिए वही कहेंगे। सर कल सर जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जातीय जनगणना अगर बिहार में नहीं कराती है JDU और BJP तो हम कोई दूसरा जनगणना नहीं करने देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है फिर मैं। सर सर परशुराम जयंती के मौके पर कल तेजस्वी यादव गए थे, उसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? वहाँ पर A to Z सबको जोड़ने की कवायद। नहीं, अच्छी बात है, परशुराम जयंती में गए, सब लोग बुलाए, आदर किए। तो लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव के इस प्लान पर अपनी मुहर लगा दी है। लालू यादव ने हालांकि ये भी कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने के नाते फैसला वो लेंगे। लालू यादव कई सालों के बाद ऐसे लग रहे थे कि एक बार फिर से वो न सिर्फ स्वस्थ हैं पूरी तरीके से बल्कि राजनीति में एक्टिव रोल भी प्ले करने वाले हैं। हालांकि RGD में भले ही लालू यादव जेल के अंदर हो लेकिन सारे फैसले उन्हीं के मर्जी से लिए जाते रहे। तेजस्वी यादव ने उनके ही इशारे पर RGD के अंदर एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की। पिछले करीब करीब 3 सालों के आसपास के वक्त में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से अगर बात करें तो उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव RGD को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे राज्यसभा भेजना हो, चाहे विधानसभा में जो खासकर भूमिहार जाति के लोगों को टिकट देने की बात हो, या फिर उससे आगे बढ़ते हुए उपचुनाव या फिर MLC चुनाव में भूमिहार जाति पर टिकट देकर के उन पर भरोसा जताने की बात हो तो उनको रिटर्न भी तरीके से दिया गया, यानी कि उनके प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। और शायद यही वजह है कि BJP जैसी जो पार्टियाँ हैं जो कि ये दावा करती हैं कि ये वोट बैंक उनका है, उनके अंदर बेचैनी हो गई। और तेजस्वी यादव की सेंधमारी की वजह से जो है एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में एक नए जातिगत समीकरण आगे आने वाले वक्त नजर आ रहा है कि इसके हिसाब से ही तेजस्वी यादव अपनी सभी की चाल चल रहे हैं, तो लालू यादव भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं।